अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेलीप्राइम में बैलेंस शीट क्या है और उसे कैसे देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया था। यहाँ हमने वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लिया है। देखिए, इसमें हमें जो नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, पहले उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद ही हम बैलेंस शीट पर काम कर सकेंगे। ध्यान रखिए, जब प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में जोड़ा जाता है, जिससे कैपिटल बढ़ती है। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जब लॉस होता है तो नेट लॉस को कैपिटल में से कम किया जाता है, जिससे कैपिटल कम होती है। उसके लिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। चलिए हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कर लेते हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करें। ध्यान रखें, ये एंट्री जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। उसके लिए F7 प्रेस करें। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि ये एंट्री प्रायः 31 मार्च में ही की जाती है। ये देखिए, डेट 31 मार्च आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, प्रॉफिट हुआ है तो उसे ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा। और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। अब नीचे नरेशन में टाइप कर रहे हैं बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम इस ट्रांजैक्शन का प्रभाव कैपिटल अकाउंट ओपन करके देख लेते हैं। देखिए, 44,327 रुपए प्रॉफिट होने से हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़कर अब 878,327 हो गया है। जिस तरह टैली हमें ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद ही बनाकर दे देता है, उसी तरह बैलेंस शीट भी टैली खुद ही बनाकर दे देता है। वैसे हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के बीच बैलेंस शीट के बारे में हमारी वीडियो नंबर 10 में बता चुके हैं, फिर भी जो जरूरी है उसे फिर से समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमने लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस के सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस देखे, जिसमें से इनकम और एक्सपेंसेस के सभी लेजर्स के बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए हैं और उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ था उसे हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इस तरह से हमारे इनकम और एक्सपेंसेस के सभी लेजर्स समाप्त हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज के खाते बचे हैं और इन्हीं के आधार पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि टेलीप्राइम में बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला, गेटवे ऑफ टैली में आप रिपोर्ट्स के अंतर्गत बैलेंस शीट देख रहे हैं, और दूसरा, यदि आप टैली में कोई काम कर रहे हैं और बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो गो टू पर क्लिक करें। देखिए, यहाँ भी बैलेंस शीट दिखाई पड़ रही है। हम गेटवे ऑफ टैली पर बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, बैलेंस शीट आ रही है। देखिए, इसमें ऊपर पीरियड दिखाई नहीं पड़ता, उसके स्थान पर एक तारीख दिखाई पड़ती है। वास्तव में इसका पीरियड वर्ष के प्रारंभ से जिस तारीख में हमने आखिरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए होंगे, जो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021 है, वो दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखें, जब भी कोई रिपोर्ट ओपन करें तो सबसे पहले उसका पीरियड जरूर चेक करें। हम पीरियड चेक करने के लिए F2 प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ फ्रॉम में वर्ष प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल 2020 आ रही है और ऊपर 31 मार्च 2021 दिखाई पड़ रही है, यानी पूरे वर्ष का पीरियड आ रहा है और यही पीरियड हमें चाहिए। डिटेल्ड बैलेंस शीट देखने के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस करें। अब जिन सब ग्रुप्स में लेजर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यदि आप उनके डिटेल देखना चाहते हैं तो उन पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए, इस सब ग्रुप्स में जितने भी लेजर्स बने हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। स्केप की प्रेस करके हम वापस पहले वाली स्थिति में चलते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बैलेंस शीट की परिभाषा भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट एक निश्चित तारीख को तैयार किया जाने वाला ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक तरफ व्यवसाय की पूंजी यानी कैपिटल और लायबिलिटीज को और दूसरी तरफ असेट्स को एक निश्चित प्रारूप और क्रम में दर्शाया जाता है। इसे प्रायः वर्ष समाप्ति पर बनाया जाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें भी समझ लेते हैं, जैसे कि अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहां डेबिट और क्रेडिट ऊपर लिखा होता था, पर बैलेंस शीट में इस तरह नहीं लिखा जाता है। इसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज के सभी खाते और राइट साइड में असेट्स के सभी खाते एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। इस बैलेंस शीट से हमें हमारी पूरी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे हमें क्या देना है, क्या लेना है, और नीचे की ओर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा देख रहे हैं। उसके नीचे करंट पीरियड का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है और उसी के नीचे ट्रांसफर्ड भी लिखा है। इसका मतलब है कि हमने प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया है। यहाँ हमें कितना प्रॉफिट हुआ ये तो मालूम पड़ ही रहा है, साथ ही ये भी मालूम पड़ रहा है कि इस प्रॉफिट के बाद वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर अब कितनी है। यदि आप इसे वर्टिकल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो चेंज व्यू पर क्लिक करें, ये वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है, एंटर प्रेस करें। ये देखिए वर्टिकल फॉर्मेट आ गया है। फिर से पहले वाली स्थिति में जाने के लिए कंट्रोल और एच कीज को प्रेस करें। देखिए हॉरिजॉन्टल लिखा आ रहा है, एंटर प्रेस करें। आइए अब हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग के बैलेंस शीट भी बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में सिर्फ प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है। अंत में हम आपको एक मुख्य बात बताना चाहेंगे कि जब हम टैली पर अकाउंटिंग करते हैं तो टैली हमारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाकर देता है, जिनसे हमें व्यापार से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं रिपोर्ट्स में से कुछ के बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सभी प्रकार की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं, पहली फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट्स और दूसरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट्स व्यापार या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बताती हैं। इनका उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है, जैसे इन्हीं के आधार पर हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक इत्यादि हमें लोन देते हैं। इन्हीं के आधार पर हम इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। इसके अंतर्गत तीन रिपोर्ट्स आती हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम इन तीनों के बारे में आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स यानी MIS रिपोर्ट्स की। इसके अंतर्गत पांच रिपोर्ट्स आती हैं, स्टॉक समरी, डे बुक, कैश एंड बैंक बुक, परचेस रजिस्टर एंड सेल्स रजिस्टर तथा जर्नल रजिस्टर। इनमें से हम आपको स्टॉक समरी और डे बुक के बारे में बता चुके हैं और बाकी रिपोर्ट्स के बारे में आगे बताएंगे। जैसा कि इस रिपोर्ट के नाम से ही स्पष्ट है, ये मैनेजमेंट यानी व्यापार और व्यवसाय चलाने वालों के लिए उपयोगी होती है, जैसे मालिक, मैनेजर इत्यादि के लिए। आपको याद होगा कि हमने डे बुक में बताया था कि व्यापार का स्वामी यदि ये जानना चाहता है कि हमारे व्यापार में किसी भी निश्चित तारीख को क्या काम हुआ, तो इसके लिए उसे उस तारीख के सभी वाउचर्स खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। वो डे बुक खोलकर शीघ्रता से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह स्टॉक समरी से ये पता चलता है कि कौन सा माल ज्यादा बिकता है और किस महीने में ज्यादा बिकता है, कौन सा माल कम बिकता है, और इसी आधार पर ज्यादा बिकने वाला माल सही समय पर कम मूल्य पर इकट्ठा खरीदा जा सकता है। इसी तरह कम बिकने वाले माल का स्टॉक कम कर सकते हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट्स समय और पैसा दोनों बचाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी के साथ हमारा टैली प्राइम का बेसिक लेवल पूरा हो गया है। दूसरी वीडियो से लेकर 10वीं वीडियो तक जिस सरल तरीके से हमने आपको पूरा मैनुअल अकाउंटिंग संक्षिप्त में बताया, वही काम उसी सरल तरीके से 11वीं वीडियो से लेकर के 46वीं वीडियो तक टैली प्राइम में भी पूरा कर लिया है।
हमें विश्वास है कि अब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि टेली सीखना बहुत ही आसान है। इसके बाद वाले लेवल से हम थोड़ा कठिन की ओर बढ़ेंगे। हम आपको टेली सिखाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी सीखने के लिए इसी तरह के प्रयास की आशा करते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य है आपको रोजगार के योग्य बनाना, और यदि आप स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो आप उसे अच्छे से चला सके, यही हम चाहते हैं।